नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो सीधे यूपी से आ रही है। यूपी उपचुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम योगी से मिलेंगे आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी। आपको बता दें दोपहर 2 बजे तक लखनऊ पहुंचेंगे जयंत चौधरी, वहीं आज शाम 6 बजे सीएम योगी से मुलाकात करेंगे जयंत चौधरी। यूपी विधानसभा उपचुनाव को लेकर कर सकते हैं चर्चा, वहीं आरएलडी ने 10 में से 3 सीटों का डिमांड भी कर सकती है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें कि जयंत चौधरी जो हैं आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने वाले हैं। आज शाम 6 बजे वो सीएम योगी से मिलेंगे, जिसमें उपचुनाव को लेकर चर्चा की जा सकती है। बताया जा रहा है कि आरएलडी 10 में से 3 सीटों की डिमांड कर सकती है। तो यूपी के सियासी में ये बड़ा हलचल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जयंत चौधरी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सकते हैं, जिसमें वो उपचुनाव के 10 सीटों में से 3 सीटों की डिमांड रख सकते हैं। आपको बता दें कि जयंत चौधरी आज शाम 6 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे। संभावना जताई जा रही है कि उपचुनाव को लेकर इस पे चर्चा हो सकती है, जिसमें आरएलडी 10 में से 3 सीटों की डिमांड कर सकती है। इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ मोहम्मद आसिफ जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ जानकारी है? आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर सकते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार राजधानी लखनऊ पहुंच रहे हैं आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी, जहां पर वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम 4 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में है, और इस कार्यक्रम में कहीं न कहीं आरएलडी प्रमुख अपने नेताओं से उपचुनाव को लेकर जो सीटें हैं, सीट शेयरिंग का मामला, इस पर मंथन करेंगे। और शाम को 6 बजे यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात का कार्यक्रम है आरएलडी प्रमुख का, जहां पर सीएम योगी से विधानसभा की 3 सीटों के बारे में चर्चा करेंगे। सूत्रों का दावा है कि आरएलडी ने बीजेपी से 3 सीटों की डिमांड। कौन सी 3 सीट हो सकती है? जी बिल्कुल प्रज्ञा, अगर बात करें सीटों की, सीट गाजियाबाद की है, मीनापुर की है और सुंदरगढ़ की है। यह 3 ऐसी महत्वपूर्ण सीटें हैं जो कहीं ना कहीं आरएलडी के प्रभाव वाली सीटें हैं, और इस तरह से आरएलडी या बीजेपी की सहयोगी दल बन चुकी है। हालांकि जिस तरह से कई ऐसे मुद्दे नेमप्लेट के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं आरएलडी ने विरोध बताया था, लेकिन अब यह मुलाकात यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से होने वाली है। जो गाजियाबाद कुंदर की और मीरापुर की जो सीट है, वह अपने उस पर अपने प्रत्याशी उतारने का प्लान आरएलडी ने बना लिया है, लेकिन सूत्रों का यह भी दावा है कि मीरापुर की सीट सहमत नहीं बनी है बीजेपी से, और यही वजह है कि आज आरएलडी प्रमुख सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मंथन करेंगे। और कहीं न कहीं आरएलडी जिस तरह से जो है लोकसभा चुनाव के बाद एक दबाव की सियासत कर रही है, ऐसे में अब देखना होगा कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ आरएलडी प्रमुख की बातों को कितना गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि गाजियाबाद में लोकसभा चुनाव के बाद ये पहली बार है जब उपचुनाव होने वाला है, और योगी जो सरकार है वो काफी सतर्क दिख रही है, वो इस चुनाव को लेकर काफी सतर्क भी है। अब देखना ये होगा कि इस उपचुनाव को लेकर कितनी सीटों पर ये सहमति बन सकती है। तो क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ उन 3 सीटों पर सहमति देंगे? जी बिल्कुल, देखिए जैसे लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को बड़ी बढ़त मिली, तो ऐसे में अब जो 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, इन सीटों पर सियासी विषाद भी बिछनी शुरू हो गई है। एक तरफ जहां यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 सीटों पर होने वाले चुनाव की कमान अपने हाथों में ले रखी है, मंत्रियों की फौज भी अब फील्ड में उतार दी है, और साथ ही साथ साफ निर्देश दिया गया है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह की हर हाल में
जो है इन सीटों पर बीजेपी की प्रत्याशियों की जीत होनी चाहिए और यही वजह है कि अब उनके मंत्री रात्रि विश्राम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ जो योजनाएं हैं कहीं ना कहीं वह जनता के बीच पहुंचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी भी अब इस चुनाव में पूरी तरह से जो है जोश के साथ उतरी है और बात करें अगर 10 सीटों की तो 5 सीटें सपा के पास थी, 3 सीटें बीजेपी की और 2 सीटें उनके सहयोगी दलों के पास। तो ऐसे में यह जो 10 सीटें हैं इन सीटों के परिणाम के बाद 2027 की तस्वीर भी साफ हो जाएगी क्योंकि यह काफी अहम चुनाव है, 10 सीटों पर होने वाला है। जो तो इसको लेकर अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से जोर लगा रही है और आज जो आरएलडी के साथ बैठक होनी है इसमें यह तय किया जाएगा कि कौन सा जिताऊ प्रत्याशी उतारा जाए और कितनी सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ेगी, यह भी तस्वीर आज साफ हो सकती है। क्योंकि जिस तरह से आरएलडी 3 सीटों की डिमांड कर रखी है और बीजेपी 1 या 2 सीट देने के मूड में दिखाई दे रही है, वहीं जिस तरह से अन्य जो सहयोगी दल हैं चाहे भाजपा की बात करें या फिर निषाद पार्टी की, अगर 3 सीटें बीजेपी आरएलडी को देती है तो सहयोगी दल भी सीटों की डिमांड करना शुरू कर देंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी में अंतर कला भी आ सकती है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ फैसला भी लेंगे और साथ ही साथ यह भी तय करेंगे कि किस तरह उपचुनाव में प्रत्याशी उतारे जाए, इसका भी मंथन आरएलडी प्रमुख से किया जाएगा। जी प्रज्ञा जी, बिल्कुल जिस तरह से जयंत चौधरी आज मुलाकात करने वाले हैं और 3 सीटों की डिमांड करना है, ये तो अब योगी आदित्यनाथ पर ही डिपेंड करेगा कि वो 3 सीटों पे अपनी सहमति देते हैं या नहीं। लेकिन आसिफ ये भी जानना चाहूंगी कि केवल उपचुनाव पर ही लेकर चर्चा होगी या कोई और मुद्दा भी हो सकता है। देखिए जो आज की मीटिंग है प्रज्ञा, यह काफी अहम मानी जा रही है क्योंकि आज की मीटिंग को लेकर सभी की नजरें भी पूरी तरह से गली हुई हैं क्योंकि आरएलडी प्रमुख जिस तरह से बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं 3 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने के, यह कहीं ना कहीं जो है बड़ी बात है। हालांकि बीजेपी ने जो लोकसभा चुनाव में गलतियां की थी उसको पूरी तरह से सुधार करने में जुट गई है, चाहे कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर या फिर जिस तरह से अनुपूरक बजट पेश किया गया है योगी सरकार की तरफ से, और साथ ही साथ अब हर जिले की समीक्षा खुद योगी आदित्यनाथ कर रहे जी, हैं। बहुत 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 धन्यवाद आसिफ इस खबर पे ज्यादा जानकारी देने के लिए। खबर ग्रेटर नोएडा से है जहां तेज बारिश से जिम की छत नीचे गिर गई। इस दौरान जिम कर रहे लोगों में भगदड़ मच गई। वहीं भगदड़ मचने के कारण 2 लोग घायल भी हो गए। सूचना मिलने पर पहुंचे पुलिस और स्थानीय लोगों ने घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि ये पूरा मामला तुगलकपुर नॉलेज पार्क थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। तो ये खबर ग्रेटर नोएडा से है जहां तेज बारिश का कहर देखने को मिला है, जहां ग्रेटर नोएडा में बड़ा हादसा हो गया है। जिसके बाद से 2 लोग घायल हो गए। आपको बता दें ग्रेटर नोएडा में एक बड़ा हादसा हो गया है, तेज बारिश का कहर देख रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में हादसे के बाद जिम की जो छत थी वो गिर। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोनो लाइन पे नितिन चौधरी जुड़ गए हैं। नितिन, क्या कुछ जानकारी है तेज बारिश के कारण ग्रेटर नोएडा के एक जिम में जो छत थी वो गिर गई है? देखिए प्रज्ञा, बिल्कुल बताने जिस तरीके से लगातार जो है 2 से 3 घंटे जो बारिश थी वो लगातार हो रही थी, तो उसको देखते हुए तो कल जो है ग्रेटर नोएडा में एक बड़ा हादसा हो गया था। हादसा होने का कारण बताया जा रहा है कि जिम के अंदर जो है जिम की जो टीम छत है वो गिर गई थी, लेकिन उसके बाद ये बताया जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से बारिश लगातार हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं जो है लापरवाही का भी सामना देखने को मिला है। लेकिन उसके बाद बात की जाए तो लगातार जिस तरीके से जिम में जो लोग जिम करने के लिए जाते हैं
तो जिम करने के लिए जो है लगातार जो लोग थे उसमें काफी कम थे, लेकिन उसके बाद भी लगातार जो हादसा था वो इतना बड़ा हादसा था कि आखिरकार कुछ लोग जिस तरीके से वहाँ जिम करने आते हैं तो उसमें आखिरकार वो लोग जो है तभी नहीं है, लेकिन उसके बाद लगातार आनंद फानंद में आके पुलिस फोर्स भी जो है मौके पे पहुंची है, पुलिस ने जो आके जो है सभी लोगों को तरफ से बाहर निकाल लिया गया जी। नितिन, जो लोग घायल हुए हैं उनके बारे में कोई जानकारी? इसमें कोई ऐसी स्थिति नहीं थी, लेकिन बताया जा रहा था कि जो जिम के अंदर लोग थे वो जो है दो से तीन लोग बताए जा रहे थे, जिम ट्रेनर भी थे और उसके जो लोग जिम करने आते हैं तो उसमें तीन से चार लोग बताए जा रहे थे, लेकिन उसके बाद पुलिस प्रशासन को जिस तरीके की इसकी सूचना मिली तो पुलिस जो है लगातार वहाँ पर पहुंची, मुआयना करा, लेकिन उसके बाद लगातार जो जिम के अंदर लोग थे उन लोगों को जो है सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। जिम की जो छत थी वो बारिश की वजह से जो है गिर गई थी, तो उसके बाद लगातार जिस तरीके से दो से तीन घंटे कल जो बारिश थी लगातार पड़ रही थी, तो बारिश की छत गिरने से लोग काफी नुकसान वहां पर हो गया, लेकिन उसके बाद लगातार यही बताया जा रहा पुलिस प्रशासन की तरफ से भी कि आखिरकार इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, लेकिन उसके बाद जो लोग थे उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। नितिन, अगर देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं जिम के जो मालिक है उनकी भी लापरवाही सामने आ रही है, क्योंकि हर लोग 10 बजे जाते हैं जिम करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो मालिक है या उनको किस तरह से अलाउ कर दिया गया था वहाँ पे जिम खोलने के लिए, क्योंकि जो निरीक्षण होता है वो कहीं ना कहीं देखने को मिलना चाहिए कि किस तरीके से जिम बनाया गया है, वहाँ की स्थिति सही है या नहीं, क्योंकि ये लोगों के साथ जान की बाजी भी लग सकती है। देखिए बिल्कुल बता दें कि जिस तरीके से जिम ट्रेनर को जो आदेश जारी किया जाता है, क्योंकि पहले उसमें ये देखा जाता है कि आखिरकार जो लोग रहते हैं उन लोगों को जो है पहले उसका जो है मुआयना कराया जाता है या अधिकारियों के द्वारा मुआयना कराया जाता है, लेकिन उसके बाद ये लगातार यही होता है कि आखिरकार जिम ट्रेनर को जिस तरीके का ये आदेश दिया जाता है कि आदेश को किस तरीके से पालन किया जाता है, क्योंकि जिस तरीके से मालिकों को देखा जाता है कि आखिरकार जो मालिक रहते हैं उन मालिकों को भी यही जो है आदेश दिया जाता है और कहा यह जाता है कि आखिरकार जिम ट्रेनर को बनाया जाता है, क्योंकि बेसमेंट के अंदर ये जिम रहती है, लेकिन इसमें इस तरीके का कोई आदेश नहीं रहता है, लेकिन उसके बाद भी जो है लगातार जो मकान मालिक है वो जिम खुलवाते हैं अपने बेसमेंट के अंदर, लेकिन उसके बाद अधिकारी इसकी जाँच करते हैं तो जाँच में पूरी तरीके से दोषी पाए जाते हैं, इसके ऊपर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन उसके बाद लगातार आखिरकार इतनी जिमें यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर के अंदर चल रही है जो कि बेसमेंट के अंदर है, क्योंकि बेसमेंट में लगातार प्रशासन इस चीज को अलर्ट नहीं अलाउड नहीं करता, लेकिन फिर भी लगातार जो मालिक है इन पर कुछ ना कुछ कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि नितिन अभी कुछ दिन पहले हमने देखा था कि जिस तरह से आईएएस कोचिंग जो बेसमेंट में चल रही थी उसमें भी तीन छात्रों की मौत हो गई, उसके बाद अब ये जो कल बारिश हुई है उसके बाद जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही सामने आ रही है। देखिए तरीके से पुलिस प्रशासन की जो लापरवाही लगातार देखने को मिलती है, क्योंकि जो जिम ट्रेनर है जो यहाँ पर अलाउड किए जाते हैं मजिस्ट्रेट के द्वारा यहाँ पर अलाउड किया जाता है, तो लोगों को यहाँ पर अपील की जाती है कि आखिरकार इस तरीके की कोई भी जिम जो ट्रेनर है उनको इस तरीके की परमिशन ना दी जाए, लेकिन जब भी जो मकान मालिक है उन पर जो कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से देखा जाता है कि नीचे लोग रहते हैं और लगातार इस पर जो कार्रवाई की बात की जाती है, और पुलिस जो मकान मालिक है वो मकान मालिक पैसा जो किराया मिलता है उस किराए के लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी लगातार प्रशासन उनको पहले भी नोटिस दे चुका है कि आखिरकार कोई भी इस तरीके के जिम संचालक ना चलाएं जिस तरीके से बेसमेंट के अंदर जिम चलती है, बेसमेंट में पूरी तरीके से जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि बेसमेंट की जो छत रहती है जो बेसमेंट दिया जाता है वो पार्किंग के लिए रहता है, लेकिन राजस्थान नोएडा के अंदर ये किया जाता है कि जो पार्किंग की जगह है जिनको जो है जिम ट्रेनर चलाने के लिए यहाँ पर दिया जाता है, लेकिन जब भी मकान मालिक के ऊपर आखिरकार अब देखना यही होगा कि कार्रवाई प्रशासन करता है या नहीं करता, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी लापरवाही जो है यहाँ के जो सिटी मजिस्ट्रेट है और प्रशासन पुलिस प्रशासन इन पे कार्रवाई आखिरकार क्यों नहीं करता, क्योंकि इनमें जो है मिली भगत इन लोगों की रहती है, मिली भगत के द्वारा ही ये लगातार इस जिम को चलवाया जाता है, और साथ ही जिस तरीके से कल दिन की बारिश की वजह से छत गिरी है इसमें कहीं ना कहीं हादसे की जो बात की जाए तो हादसा इस प्रकार का था कि आखिरकार जो जिम करने लोग आते हैं तो इसमें काफी दबने होने की सूचना मिलती, लेकिन उसके बाद लगातार जो जिम में थे दो से तीन लोग जिम कर रहे थे उस समय जब ये छत गिरी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद नितिन चौधरी इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। अब बात करते हैं अगली खबर की। आपको बता दें कि देहरादून से सीएम धामी लाइव आ रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं चलिए आपको दिखाते हैं। yes.
सीएम धामी को आप देख सकते हैं, सीएम धामी ने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है, मीटिंग ले रहे हैं। इस दौरान वो कई मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में बारिश का कहर देखने को मिला है उसके बाद से सीएम धामी ने ये बैठक बुलाई है। इस बैठक में बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है, बारिश के कहर से कैसे बचा जाए, राज्य को किस तरीके से बेहतर तरीके से चलाया जाए, इन्हीं सब मुद्दों पर सीएम धामी आज चर्चा कर रहे हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। ये मीटिंग देहरादून में ली जा रही है, सीएम धामी मीटिंग ले रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस, तब तक के लिए नमस्कार।